देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जाइए जाइए, अपने घर जाइए, काम कीजिए जरा। ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला, जाइए। हेलो, आरती, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए क्योंकि मैं डेविड के घर काम करने वाले एक आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और इसे छोड़कर यहाँ आ गई। नहीं, स्वतंत्रता की लड़ाई में तुम्हारा साथ सेनानियों से पाया गया है। इसलिए राष्ट्रद्रोह के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। दरोगा साहब, ये सब क्या कह रहे हैं आप? राष्ट्रद्रोह का नाम देकर सिर्फ इस केस को भारी किया जा रहा है। अच्छा, कानून की थोड़ी समझ रखने वाले भीमराव, कोर्ट में केस का वजन घटता और बढ़ता रहता है और ये सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है। उस पर काम करो और यहाँ पे भाषण मत दो। अरेस्ट कर, गिरफ्तार करो इसे। देखिए, ये सब झूठ है, इन्हें सब रमा, तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेंगे ये लोग। ले जाने दो आरती जी को, इन्हें कानूनी रूप में ही जवाब दूंगा और इनके यहां से आरती जी को छुड़ा के लेके भी आऊंगा। और सुन लो, इस जोल में किसी ने भी अगर आरती का साथ दिया तो वो हमारा दुश्मन होगा, हमारा मतलब अंग्रेजी हुकूमत का। निश्चिंत रहो साहब, हम्मा से कौनो देखें तक न चाहेगा कि आरती के साथ कहा भवा। और साहब, हम कोनो पागल वागल तो है नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत से टकराएंगे। समझदार बन, ऐसी आदत डाल दे तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी ही करनी है। डेविड सर, ऐसे भ्रम में मत रहिए, आप अन्यायी हैं और एक ना एक दिन अन्याय का अंत होता ही है। बाबा, इन्हें रोकिए, नहीं तो ये लड़ाई कहीं और दिशा में चली जाएगी। मुद्दा अभी हुकूमत, राजनीति या वाणिज्य का नहीं है,
युद्ध अभी आरती को बचाने का है। आप खोजिए वकील और बचाइए। पापा मैं जा रहा हूँ वकील ढूंढने। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। लक्ष्मी तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं भीमबाव और अमा की मदद करना चाहती हूँ और मैं एक औरत हूँ इसलिए आरती जी की भी मदद करना चाहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मैं जल्दी आ जाऊंगी। लक्ष्मी कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी, घर चलो। अब बाला भैया क्यों बन रहे? क्या मैं बाला भैया बन रहा हूँ? मतलब अगर पति अपनी पत्नी से कुछ कहता है तो बाला भैया बन जाता है। आनंद भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ भीम, मैं और लक्ष्मी आदर्श पति पत्नी नहीं है। तुम दोनों रहो और मुझे माफ करो। लक्ष्मी चलो। भैया क्या कर रहे हैं आप? रमा तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी को प्रताड़ित नहीं करूंगा और हाँ उसे मारूंगा भी नहीं, बस ये तुम दोनों के साथ नहीं जाएगी। चलो भैया। माँ रुक जा, जाने दो उन्हें, हम दोनों चलते हैं वकील ढूंढने। आते हैं बाबा। भैया ये आनंद को अचानक क्या हो गया, समझाओ उसे। अचानक नहीं दीदी, अरे कब तक भीम की वो सपने वाली बातें सब सुनते रहेंगे और कब तक उस काल्पनिक दुनिया में जिएंगे? बस आनंद को जल्दी समझ आ गया और वो सही रास्ते पे चल रहा है। मेरा आनंद की समस्या कुछ और है, उसे अपने हिसाब से काम करने दो। आई जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। आरती उस डेविड के बच्चे की माँ होकर कह रही है कि वो वही रहेगी उस चाल में और उस डेविड से लड़ेगी। मेरा बेटा तो बड़ा है और इसके लिए और उसकी सुरक्षा के लिए ये सही है, इसलिए मैं करूंगी। और दीपक तू अब कुछ नहीं बोलेगा, बस मेरे साथ चलता रहे। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अजीब दीदी हो आप, हैं? जाना उस आरती को चाहिए बंबई छोड़कर और आप जा रही हैं। फिर से आ गए आप? आप जो मेरी बहन आरती के साथ कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। अरे वो तो विदेशी है, लेकिन आप तो इस देश के हो ना और अपने ही देश के साथ ऐसा कर रहे हो। छी, हूँ तो मैं इसी देश का, लेकिन तुम्हारी जात का नहीं हूँ ना। वैसे तुम्हारे खानदान में सब भागने वाले ही हैं क्या? पति था तुम्हारा, सुना है वो भी एक दिन ऐसे ही भाग गया, और वो तुम्हारी बहन आरती इतने साल तक डेविड सर के साथ रही और जरा सी समस्या आई तो भाग ली और अब तुम लोग भाग रहे हो। सबके सब भगोड़े हो। चले जा, ऐसे नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे 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 गुस्सा आ गया क्या? अरे तू क्या सर फोड़ेगा, भगोड़े का खून है तुझमें, सर फोड़ने के लिए ना खड़ा रहना पड़ता है। सर फोड़ेगा भगोड़ा।
चलो आई। देखिए हटिया। नहीं लक्ष्मी, सब मत कीजिए ना, आप कब से ऐसे हो गए? जाने दीजिए मुझे। जाने दूंगा, हर एक शर्त पर। अपनी कसम वापस ले लो ताकि मैं बाहर काम ढूंढने जा सकूं। अच्छा, मतलब मैंने आपको बाहर काम ढूंढने जाने से मना किया है इसलिए अब आप ये कर रहे हैं? देखो लक्ष्मी, तुम्हें जो समझना है ना समझ लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं होती थी कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, समझाइए ना। आपके मन में क्या चल रहा है, अब कहना क्या चाह रहे बताइए। कुछ नहीं। बताइए मुझे। लक्ष्मी मैंने कहा ना कुछ नहीं। आपको मेरी कसम है बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप मुझे सबके सामने हाथ पकड़ के ले आए? लक्ष्मी तुम समझती क्यों नहीं हो कि अगर तुम्हारा कमाना जरूरी है तो मेरा भी कमाना उतना ही जरूरी है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर से मिलकर आया हूं मैं। डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवाइयां महंगी हो गई है। मैं मरना नहीं चाहता लक्ष्मी, बल्कि तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए, इसलिए हाथ छोड़कर विनती है तुमसे कि अपनी कसम वापस ले लो और मुझे मुझे आजाद कर दो ताकि ताकि थोड़ा मैं भी कमा सकूं। ना तो कर सकती हूं ना मेरे लिए। यही कहा कि मेरी दवाइयां महंगी हो गई है और ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था लक्ष्मी, वरना भीम के लिए ना मैं अपनी जान भी दे दूं। अगर भीम मुझे गलत समझता है ना तो समझे, मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकता कि मेरी बीमारी का इलाज भी वही कर रहा है। किसी को नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए और मैं सब कर लूंगी, भरोसा रखिए मुझ पर। नहीं होगा आपको कुछ, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने दूंगी मैं, अभी अभी तो अभी बहुत साल साल गुजारने हैं ना। राम जी, मुझे लगता है तुम्हारा दूसरा बेटा भी बाला बन गया। बेचारा राम जी जीवन भर अपने बच्चों को सिद्धांत सिखाता रहा, अब बच्चे इस तरह के निकल गए। चुप हितेश, एकदम चुप। तू क्या जानता है हमारे परिवार के बारे में? हाँ, आनंद को किसी बात पर गुस्सा आ गया और चला गया तो लक्ष्मी गई है ना उसे समझाने। बाला अलग है और भीम, आनंद, लक्ष्मी, रमा, हम सब एक है और हमेशा एक रहेंगे। लक्ष्मी बेटा, बात हुई आनंद के साथ, उसको समझा दिया ना कि दोबारा ऐसा ना करे? नहीं बुआ, उन्होंने सही किया था। आखिर हम हमेशा भीमा और रमा के पीछे पीछे तो नहीं घूम सकते है ना, मुझे भी काम करना होता है।
लक्ष्मी, ये कैसे बातें कर रही हो? बाबा क्षमा कीजिए, लेकिन वो सही है। आपको तो पेंशन मिलती है ना, आपका घर उससे चल जाता है, मगर हमारा क्या बाबा? हमें तो हमारा घर चलाने के लिए कमाना ही होगा ना। मैं भी चाहती हूँ कि भीमबाव और रमा को जल्द से जल्द वकील साहब मिल जाए, लेकिन मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। अरे ये तो पासा ही पलट गया। भीम, रमा, लक्ष्मी और आनंद में भी दरार पड़ गई। आप सबका मतलब अच्छे समझते हैं। मौका मिला नहीं कि भीम और भीम से जुड़ी चीजों की शिकायत करने लगे। बाबा भीम को रोकिए। मुझे ऐसा लगता है कि भीम अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। ऐसे कैसे नहीं रुकेगा? ऐसे बोल बोलकर हर बार भीम को मनमानी तो नहीं करने देंगे ना बाबा। लक्ष्मी तुम कहीं नहीं जाओगी, घर चलो। ये अचानक से आनंद को क्या हो गया? उसे बहकी बहकी बातें कर रहा था और अब पता नहीं लक्ष्मी से क्या कहकर गया। आरती, मैंने तुमसे पहले बहुत लड़कियों को संभाला है, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें लॉकअप में डाला। तुम्हें भीमराव पे बहुत ट्रस्ट है ना? वो वकील लाने गया होगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो आज ही गिरेगा। मैंने मेरे मैनेजर से कह के ये तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि ये बच्चा उसका है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे इस बच्चे को नाम नहीं देना। लेकिन तुम मेरी शर्त नहीं माने तो अभी भुगताओ। अभी इस दवा को मैं तुम्हें जबरन पिलाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे ऊपर वाले सारे चार्जेस खत्म, फिर तुम आजाद हो जाओगी। वैसे भी तुम लोगों को बहुत आजादी आजादी पड़ी है, तो हो जाओ आजाद, पी लो ये दवाई। पिया, पिया, ए, पकड़ो से। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आपका ही बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है। पैसा मत कीजिए, आपका ही खून है। यही गलती कर दी तुमने। तुम घर घर जाकर ये बता रही हो कि ये मेरा खून है, यही नहीं करना था। तुम भाग जाती, पाल लेती उसे, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन अब बहुत लेट हो गया, अभी तुम्हें ये दवाई पीनी ही होगी। और तुम्हारी बार क्या कहती थी, भीमराव बचाएगा तुम्हें। भीमराव, अब कहाँ है तुम्हारा भीमराव? बुलाओ तुम्हारे भीमराव का, बुलाओ, बोलो भीमराव, भीमराव। पता नहीं रमा, मेरे वकील सर बंबई कब लौटेंगे। अभी जिन जिन वकीलों के पास गया था सब ने मना कर दिया है। डेविड जी का नाम सब जानते हैं और उनसे सब डरते भी हैं। सत्ता से डरना तो स्वाभाविक है,
लेकिन आरती जी छूटेंगी कैसे? पता नहीं, जिन जिन वकीलों के बारे में सर से सुना था उन सबके घर पूछते हुए चलते हैं, शायद रास्ता मिल जाएगा।